बागेश्वर शहर में आचार संहिता नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग का कोई डर नहीं दिखता। यहाँ कहने को कुछ ही दिन पूर्व निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता लागू होने के बाद शहर में जोर शोर से प्रचार सामग्री हटाने का काम शुरू किया था, लेकिन अब भी कई स्थानों पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को दिखाते हुए बड़े बड़े होर्डिंग और फ्लैक्स लटके हुए हैं। शहर के बीचों बीच जिला अस्पताल परिसर सहित अन्य स्थानों पर अब भी चस्पा प्रचार सामग्री आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने वालों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग कब इस पर कार्रवाई करता है। वहीं नोडल अधिकारी का कहना है कि शहर में कुछ ऊंचाई में लगे फ्लेक्स बोर्ड यूनिपोल फ्लेक्स को हटाने में दिक्कत हो रही है। लिफ्ट मशीन के जरिए इन्हें हटा दिया जाएगा। पोल्स को कुछ बहुत ज्यादा हाइट्स में लगी हुई है, तो वो एक लिफ्ट मशीन आने वाली है इनकी, तो उसके बाद जो है वो सारे के सारे जो है हट जाएंगे। उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और प्रयासरत भी हैं, और बाकी दो या तीन जो है जो हमारे संज्ञान में भी हैं, उसके बाद ये सारे के सारे जो है बैनर पोस्टर हट जाएंगे। और जैसा कि मैं कल सर्वे में भी गया था, कौसानी गया था, तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की सामग्री है वो सारी की सारी तुरंत हमारी FST और SST टीम ने जो है हटा दी है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।